Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bmathematic. Today we are going to continue the topic which we have started in the first video, Introduction to Trigonometry. जब भी हम कोई क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट भी पढ़ते हैं उसके साथ. तो हमारा क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. वैसे तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. इट हैज़ नो यूनिट्स बिकॉज इट इज़ अ रेशियो. एग्जाम्पल देखते हैं और अपनी बात को कन्फर्म करते हैं कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती. एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ए बी सी, जिसमें ए बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर. तो जो हाइपोटेनस है उसकी लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन सी, विच इज पंडित पद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल. ये मैंने आपको पहली वीडियो में ट्रिक बताया था कि हम किस तरीके से साइन कॉस टेन के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं. तो इस तरीके से साइन सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी, जो कि परपेंडिकुलर है सी के रेस्पेक्ट में, जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है, और हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड विच इज ए सी. तो हमारे पास साइन सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी. अब देखिए ए बी की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे और ए सी की वैल्यू डालते हैं 4/5. यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचता है साइन सी इक्वल्स टू 4/5. तो आपने देखा कि साइन सी की वैल्यू जो आई है 4/5 है विदाउट एनी यूनिट. दैट मीन्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज़ नो यूनिट. अच्छा चलिए इसको हटाते हैं और कॉस का देखते हैं, क्या कॉस की कोई यूनिट है. कॉस सी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल. अब आप देख सकते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस के हिसाब से कॉस की वैल्यू आ गई बी सी, जो कि बेस है सी के रेस्पेक्ट में, और हाइपोटेनस ए सी है. कॉस सी की वैल्यू हम निकालना चाहें तो बी सी और ए सी की वैल्यू डालने के बाद हमारे पास आता है 3/5. यहाँ भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी 3/5. दैट मीन्स कॉस ऑल्सो हैज़ नो यूनिट. तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि इट इज़ अ रेशियो. अब आप थोड़ा सा देखते हैं हम कि कुछ एरर्स होते हैं जो हम अननोइंगली कर देते हैं और लगता है कि सही है, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. लेट अस सी व्हाट आर दोस एरर्स. ओके, तो पहला एरर है जो बहुत ही कॉमन है, साइन ए डज नॉट मीन द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए. दैट मीन्स साइन ए इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन इनटू ए. एक्चुअली क्या होता है, हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसमें जब हम लिखते थे 2 × y करते थे तो सिंप्लिसिटी के लिए हम इनटू का साइन दिखाते नहीं थे, प्रोडक्ट का साइन नहीं दिखाते थे, 2y लिख देते थे. तो कभी कभार हम इसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि साइन ए के बीच में जो इनटू वाला साइन है वो हमने गायब कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. साइन ए डज नॉट मीन दैट साइन इनटू ए, वो एक एक ही एंटिटी है. ओके, नेक्स्ट एरर जो सब लोग करते हैं या मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्या है, साइन 4/5, साइन इक्वल्स टू 4/5. इट इज़ अ रॉन्ग एक्सप्रेशन. व्हाई? बिकॉज एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज़ नो मीनिंग विदाउट एन एंगल. मतलब साइन का वजूद ही एंगल से है, क्योंकि साइन की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस, ओ सॉरी हाइपोटेनस. ओके, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये हम किसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, एंगल के रेस्पेक्ट में. तो बिना एंगल के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ साइन का एग्जांपल दिया है मैंने, लेकिन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिना एंगल के पूरा नहीं माना जाएगा. तो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5. यहाँ पे थीटा कोई भी एंगल है, आप चाहे तो ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बट इट शुड बी एन एंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट एरर
is for our simplicity, we can write sine a ka whole square equals to sine square a. Sine a ka whole square equals to sine square a. But it doesn't mean that sine a ka inverse, whole inverse, equals to sine inverse a. ये जो लिखा हुआ है sine inverse a, ये बिल्कुल ही अलग मतलब बना देगा. तो sine a का whole inverse is equals to what? 1 upon sine a. Sine inverse a के बारे में ये जो लिखा है, sine inverse a के बारे में आपको 12th class के 2nd chapter में maths में पढ़ने को मिलेगा. Inverse trigonometry ratio. आगे बढ़ते हैं, कुछ questions practice करते हैं और अपने concept को थोड़ा और clear करते हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि tan a की वैल्यू 4 अपॉन 3 दे रखा है और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए. तो जब भी हमें कोई वैल्यू निकालनी है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी होती है, तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए. लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी. कोशिश करिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दे रखी है, जैसे टेन ए इक्वल्स टू 4/3 दे रखा है, जो एंगल इसके अंदर है वो एंगल पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट ना करें, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हमें देखना है. इसीलिए हम 90 डिग्री पर उस पर ए पे 90 डिग्री नहीं बनाएंगे, कोई और बना लीजिए, चाहे सी बनाइए चाहे बी बनाइए. इस तरीके से मैंने यहाँ एक एडजॉइनिंग फिगर बनाया हुआ है, राइट ट्राइंगल ए बी सी. अब tan a equals to 4/3, tan a equals to 4/3 की हमें गिवन है, तो tan a का फॉर्मूला डालते हैं. वही ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल. तो tan का फॉर्मूला क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो हमें वैल्यू दे रखी है 4/3. तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल से हम देखें अगर ए के रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? बी सी. और हाइपोटेनस, सॉरी, बेस क्या है? ए बी. तो बी सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 4/3 ये हमारे पास आ गया. तो ये एक रेशियो है, तो अगर हम कॉमन रेशियो अगर मान लें एक्स, तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4x, और ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x. आप जो सामने सामने लिखा हुआ होता है उसी को मान लीजिए एक्स लगाकर, अगर एक्स क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ है. तो यहाँ पे हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आ गई? 4x. ओके, नाउ ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x. बेसिक आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए और हाइपोटेनस को कैलकुलेट कर लीजिए. तो इन ट्राइंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, दैट इज ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ मैंने PGT लिखा है, लेकिन आपको पेपर में फुल लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ए बी की वैल्यू हमने डाला यहाँ पे 3x उसका होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 4x उसका होल स्क्वायर. ऑन स्क्वायरिंग वी गेट 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर. प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, x स्क्वायर है. नाउ ऑन टेकिंग द स्क्वायर रूट वील गेट अ वैल्यू ऑफ ए सी एज 5x. अब हमें सारी साइड्स पता हैं, अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं. तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो ट्रिक मैंने जो बताई है उससे आपको सब आसानी से याद रह सकता है. अब देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए की वैल्यू. साइन ए की वैल्यू वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल. तो साइन की वैल्यू क्या आ गई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बी सी. परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? बी सी. और हाइपोटेनस क्या है? ए सी. तो उसकी वैल्यू डाल दीजिए. बी सी की वैल्यू क्या है? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4x. ए सी की वैल्यू क्या है? अभी हमने कैलकुलेट किया है 5x. उसको डाल दीजिए यहाँ पे और x से x कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4/5. साइन ए की वैल्यू आ गई 4/5. नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए.
सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल. तो आपके पास कॉस का फॉर्मूला क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस है हमारे ए के रेस्पेक्ट में ए बी, हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड एज आई टोल्ड यू ए सी. अब वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू यहाँ पे 3x है, ए सी की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 5x. तो यहाँ भी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या आ गया 3/5. सिमिलरली विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cot a. तो आप देखिए आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है मैंने पहले वीडियो में बताया था जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है. तो tan की वैल्यू हमें पहले से दे रखी है. आप देख सकते हैं कि tan का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू आएगी, cot की. तो cot का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि cot a इक्वल्स टू 1/10 a, दैट मीन्स 1/4/3 जो वैल्यू गिवन है हमें. तो 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/4, उसका उल्टा कर दीजिए आप. cosec a, देखिए cosec के बारे में भी बताया था, cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/sin a. तो sin a की वैल्यू तो अभी निकाली हमने ऊपर 4/5. तो 4/5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा 5/4. नाउ लेट अस कैलकुलेट द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि टोटल तो 6 रेशियोज होती हैं जिसमें से एक हमें दे रखा है, तो बची कौन कितनी 5. तो sec a, जो sec a होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, और cos की वैल्यू अभी निकाली है 3/5. तो 3/5 का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो क्या आएगा 5/3. अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, दैट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ए बी 29 यूनिट्स है, बी सी 21 यूनिट्स है, एंगल ए बी सी यहाँ पर थीटा दे रखा हुआ है. तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो देखिए इसमें भी क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है. तो सबसे बढ़िया होता है वो ट्राइंगल बना लीजिए आप, जैसे यहाँ बना हुआ रखा है ए बी सी, और उनकी साइड जो हमें पता है उसको नोट करके लिख लीजिए उसमें ट्राइंगल के ऊपर. ए बी की वैल्यू है 29 यूनिट्स और बी सी की वैल्यू है 21 यूनिट्स. अब देखिए एक साइड हमें नहीं पता है, तो अगर आपको ज़रूरत हो या ना हो आप तीसरी साइड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद हम देखते हैं हमें ज़रूरत है कि नहीं. तो आप देखिए अगर हम इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब देखिए ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी है 29 उसका स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है निकालना है, प्लस बी सी स्क्वायर जो कि 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा. इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 29 का स्क्वायर इज 841 एंड 21 का स्क्वायर है 441. ऑन सॉल्विंग दिस यू गेट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 400. ऑन टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट ए सी इक्वल्स टू 20 यूनिट्स. अब देखिए कोई भी क्वांटिटी पे जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो दो वैल्यूज़ आती हैं, प्लस और माइनस. यहाँ पर हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती. अब देखिए हमें किस किस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ज़रूरत है, एक साइन थीटा की और एक कॉस थीटा की. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. साइन थीटा अब तक आई होप आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो आप वही ट्रिक दोहराइए, प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा. साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है ए सी, ये रहा, और हाइपोटेनस क्या है ए बी विच इज 29 यूनिट्स. आप वैल्यू डाल दीजिए 20/29. इसी तरीके से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है बी सी और हाइपोटेनस ए बी. तो आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बी सी अपॉन ए बी.
तो आपने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, बी सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 21/29। अब हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू डाली हमने 21/29, साइन थीटा की वैल्यू डाली 20/29, और इनका स्क्वायर करके इसको सॉल्व किया। जब आप इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1। अब आप देखिए सेकेंड पार्ट जो है इसका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसकी अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर क्या दे रखा है देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल डेट बी, और टेन ए की वैल्यू 1 दे रखी है। देन वेरीफाई दैट ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू 1। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो आप पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए, और जो भी साइड पता हो और जो साइड नहीं पता हो उसको निकाल लीजिए। देखिए ट्राइंगल ए बी सी में टेन ए इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ए के रेस्पेक्ट में टेन का फॉर्मूला बनाइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है आपका ए बी, ये 1 को हमने इसके नीचे 1 लगा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। हम 1x कभी नहीं लिखते, सिर्फ एक्स लिखते हैं। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, हमें देखिए बी सी की वैल्यू पता है हमें कि बी सी की वैल्यू एक्स है और ए बी की वैल्यू भी एक्स है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ए सी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, विच इज पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर। यहाँ पे रूट लेंगे अगर हम, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट टू एक्स। जो जो वैल्यू आती जाए ना आप उस ट्राइंगल के ऊपर लिखते जाइएगा, जिससे कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसको सॉल्व करने में आसानी होती है। अब देखिए वेरीफाई करना है हमें, तो मतलब हमें LHS और RHS को बराबर लाना है। तो अब देखिए RHS में तो 1 है, उसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो हम LHS साइड को लेते हैं 2 साइन ए कॉस ए, डायरेक्ट उसमें वैल्यू लगाएंगे, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो 2 इंटू बी सी अपॉन ए सी। देखिए अब कॉस ए की वैल्यू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी, सबकी वैल्यूज डालते हैं। यहाँ पे देखिए x से x ये कैंसिल हो गया, ये वाला x से x कैंसिल हो गया, रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और क्या आ गया 1, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो आपने देखा कि जो ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए इक्वल जो है वो हमारा 1 आ चुका है। एक और एग्जांपल करते हैं NCERT का, अब तक का जो भी हमने एग्जांपल करे उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रखा है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल डेट पी, ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम उस ट्राइंगल के साइड्स को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ओ पी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर ये गिवन है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू में, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। अब देखिए इस पाइथागोरस थ्योरम में हमें ओ पी की वैल्यू तो पता है, पी क्यू और ओ क्यू की वैल्यू नहीं पता है, तो किसी एक की वैल्यू हम इस इक्वेशन में जो हमारे पास रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 इसमें से निकाल लेते हैं। तो सबसे ईजी जो वैल्यू निकालने में रहेगी वो रहेगी OQ, तो OQ की वैल्यू आ गई 1 प्लस PQ, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया ताकि आगे हम यूज़ करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर हम OQ की वैल्यू डाल देते हैं 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर हम 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं देखा हुआ लिख जाता है तो डायरेक्टली उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं और बीच का जो 2a भी होता है उसको खा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर विच इज़ 1 का स्क्वायर इज़ 1 ओनली, पी क्यू स्क्वायर विच इज़ बी स्क्वायर, 2ab 2 इंटू पी क्यू। इस तरफ राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जब उस तरफ जाएगा हमारे पास बचेगा 2pq इक्वल्स टू 49 माइनस 1 विच इज़ 2pq इक्वल्स टू 48। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें अगर हम पी क्यू की वैल्यू डाल दें तो ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो विच इज़ ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 24, और हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू भी आ गई 25। ट्रायंगल के ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। ओ पी की वैल्यू हमें पास 7 थी, दे रखा हुआ था। पी क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली है 24, ओ क्यू की वैल्यू भी निकाली हमने 25। अब देखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। साइन क्यू की वैल्यू निकालनी थी हमें, साइन क्यू। अब ये देखिए क्यू कहाँ पर है आपका, ये रहा क्यू। क्यू के रेस्पेक्ट में देखिए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ देखिए क्यू के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी, सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज फिक्स्ड विच इज ओ क्यू। तो ओ पी और ओ क्यू की वैल्यू डाली, हमारे पास रेशियो आ गया 7/25। अब इसी तरीके से हम कॉस क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कॉस क्यू की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब क्यू के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, पी क्यू या क्यू पी, और हाइपोटेनस क्या है, ओ क्यू। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 24/25।